बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुमा आमीन। व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है वो है करेले गोश्त। बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही यम्मी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, हमने 3 पाव मटन ले लिया है, 1 kg हमने करेले ले लिए। करेलों को हमने फ्राई करके फ्रीज कर दिया था। अगर आप लोग उसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सारा शेयर कर दूँगी। साथ ही हमने 5 मीडियम प्याज लिए हैं जिसको हमने काट लिया है, 4 टमाटर लिए इसको हमने काट लिया है। अब मैं आपको मसाले बता देती हूँ। ये हमने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने खुशक धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। हमने एक पतीला ले लिया, उसमें हम गोश्त डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर, मसाले। इसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए दम लगा देंगे मीडियम फ्लेम में। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें, आधा घंटा हो गया है। अब देखते हैं कि गोश्त गल गया या नहीं गला। व्यूअर्स, देखने गोश्त की अच्छी तरह गल गया है। व्यूअर्स देखें, इसमें पानी है, जब इसका पानी खुशक होगा तो हम इसमें ऑयल डालेंगे, फिर इसकी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, पानी खुशक हो गया है, अब हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स देखें, अब इसकी भुनाई हो रही है। व्यूअर्स देखें, इसकी भुनाई हो गई है, अब हम इसमें करेले डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, करेले की हमने इसके साथ भुनाई कर ली है, अब हम इसको 5 मिनट का दम लगा देंगे लो फ्लेम में। थोड़ा व्यूअर्स, ये देखिए 5 मिनट का दम हो गया है और ये तैयार हो गई है, अब हम इसको सर्व करेंगे। व्यूअर्स देखें, करेले गोश्त रेडी हो गए हैं, कितने यम्मी लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुँचें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।